देश के 50,000 से भी ज्यादा बहुसंघ समाज के लोग तमाम भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर देश भर के बहुसंघ समाज के संगठन, बहुसंघ समाज के नेता, अलग अलग पार्टियों के सांसद, विधायक, मंत्रीगण और तमाम समाज सेवी कल यहाँ पर इकट्ठा होंगे। अगर इस संसद के सत्र के अंदर आपने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा नहीं की तो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर ये देश का 90% बहुसंख्यक समाज का क्रांतिकारी देशभक्त ये वोट की ताकत से और आंदोलन कर जनशक्ति की ताकत से आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि भारतवासियों, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये मत समझ लेना कि हम खत्म हो गए या मर गए। तब तक तुम लोग समझना, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं तुम्हारे बीच में जिंदा हूँ। सर, यहाँ पर क्या प्रोग्राम है कल? देखिए, माननीय काशीराम की जयंती के शुभ अवसर पर देश के तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों को लेकर संयुक्त बहुसंघ समाज मंच के द्वारा नए अधिकार महाकुंभ का 10 और 11 मार्च को आयोजन किया जा रहा है और अभी आप उसकी तैयारी देख रहे हो। यहाँ पर इतना भव्य रूप में कल ये नए अधिकार महाकुंभ होगा। देश के 50,000 से भी ज़्यादा बहुसंघ समाज के लोग तमाम भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका 3 दिन का खाने की, रहने की, ठहरने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के 90% बहुसंख्यक समाज के लोगों को बनाना चाहता हूं। नए अधिकार महाकुंभ में प्रमुख मुद्दे होंगे जो देश में जनमत मुद्दा है, जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी दिलाना और जो वोट की ताकत को ईवीएम ने खत्म कर दिया गया है उस वोट की ताकत को बचाकर ईमानदारी से चुनाव कराकर इस देश की सत्ता पर सरकार बनाने का काम करना और तमाम बहुसंघ समाज के, चाहे वो लेटर एंट्री का मामला हो, चाहे वो ठेकेदारी पट्टा का मामला हो, चाहे कोलोजियम सिस्टम का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर देश भर के बहुसंघ समाज के संगठन, बहुसंघ समाज के नेता, अलग अलग पार्टियों के सांसद, विधायक, मंत्रीगण और तमाम समाज सेवी कल यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उनका आह्वान होगा इस देश की सरकार से कि इस बहुसंघ समाज के अधिकार को देना शुरू कर दो और जातिगत जनगणना कराकर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में हर सेक्टर के अंदर उनकी जितनी संख्या है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनको योजना बनाकर उनके गांव-गांव तक उस योजना को पहुँचाने का काम करो। वरना अब बहुसंघ समाज शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है और पूरे देश के अंदर रोड पर निकल चुका है। तमाम राज्यों के अंदर बहुसंघ समाज एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए निकल चुका है। अगर इस संसद के सत्र के अंदर आपने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा नहीं की तो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर ये देश का 90% बहुसंख्यक समाज का क्रांतिकारी देशभक्त ये वोट की ताकत से और आंदोलन कर जनशक्ति की ताकत से आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराकर सभी ठेकेदारी पट्टा के साथ साथ न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम करो। कल न्याय अधिकार महाकुंभ में ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। सर, कल कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, हमने समाज के सभी जितने भी जो न्याय और अधिकार की बात करते हैं उन सभी को बुलाया है। चंद्रशेखर राव जी आएंगे, राजकुमार सैनी साहब आएंगे, बावन मेसराम जी आएंगे और दूसरे तमाम जो है ना हमारे, एक जो चंद्रशेखर जी हैं जिन्होंने अभी रामायण के ऊपर, बिहार वाले प्रोफेसर साहब भी आएंगे और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को हमने बुलाया है। कल जो है हम लोग इसी पे चर्चा करने के लिए 2 दिन का हमने आयोजन किया है। क्या लगता है सरकार सुन लेगी? देखिए, आवाज़ सरकार सुने या ना सुने, हम अपनी ड्यूटी करेंगे और ये ड्यूटी सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है, बहुसंख्यकों की आवाज़ है। नहीं सुनती है तो ये भी सब देश देख ही रहा है। करना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए और सरकार नहीं सुनती तभी तो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे तमाम लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, लोग कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्यों आए? देखिए, वो अगर नहीं आते हैं जो आज ये देख रहे हैं ये आज़ादी कैसे मिली,
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान से हमें अधिकार दिया है। अगर इस अधिकार का सही उपयोग हम नहीं करते, आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए, ये पेड़ हमारे पुरखों के लगाए हुए, अगर अब हम लोग क्रांति ला करके सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी गूंगी बहरी हो जाएंगी। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि भारतवासियों, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये मत समझ लेना कि हम ख़त्म हो गए या मर गए। तब तक तुम लोग समझना, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं तुम्हारे बीच में जिंदा हूँ। वही तो हो रहा है, अपने हक अधिकार की मजबूती से उठाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम, और ये जो आप लोग मीडिया वाले बार बार हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमें भिड़ाते हैं, ये कुछ नहीं, हमारा भारत देश चार फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अमन चैन से लोग रहते हैं। हमारी लड़ाई तो तूफान से है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से, हमें खाम खा लहरों से हिंदू मुसलमान में उलझा करके 2024 तक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से आह्वान करते हैं, आपस में उलझो मत, हमारी लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से है। EVM हटाओ, लोकतंत्र बताओ, और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ये जब मांगने लगते हैं तो हमें हिंदू मुसलमान में उलझा दिया जाता है। अरे भैया, इसके पहले भी अमन चैन से लोग रहे हैं, कोई आज थोड़ी है। इसलिए लगातार अब बहुजनों को मेरा खास करके कहना है, बहुसंख्यक मूल निवासियों का कहना है कि संगठित हो जाओ बहुजन के मूल निवासियों, अब आज तुम्हारी बारी है, संगठित होकर के अपने हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की आवाज़ उठाओ। क्या अच्छी और निर्णायक सोच तुम्हारी है, इसलिए मेरा सबसे आह्वान है कि 10 और 11 तारीख को आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करो। और ये जो हमारे महापुरुष बाबा साहब परियार फुल ललई जी और तमाम वो महापुरुषों की जो चिंगारी, ये हक अधिकार की चिंगारी पूरी भारतवर्ष में लग चुकी है, अभी ये इन पार्टियों के पास इसको बुझाने के लिए कोई विकल्प नहीं, कोई इनके पास दमकल नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे बहुसंख्यक समाज? देखिए, मैं बहुसंघ समाज के सभी संगठनों से और बहुसंघ समाज के सभी नेताओं से और बहुसंघ समाज के सभी क्रांतिकारी समाज सेवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 75 वर्ष से आपका हक अधिकार छिन रहा, सबसे ज़्यादा आप पर अत्याचार अन्याय हो रहा, मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा, आपको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, आपके बच्चों और आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनके साथ रेप किया जा रहा है, आपके नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा लगा के उनको जेल में भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है और ना ही संविधान को मानती है। अगर आप आने वाले समय में और वर्तमान समय में अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना चाहते हो तो आओ हम सब मिलकर 10 और 11 मार्च को इस रामलीला की जो क्रांति का परिवर्तन का जो एक ऐसा आंदोलन सतल है, जब जब इस रामलीला मैदान से आंदोलन हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई है, तो वो क्रांति हमेशा कामयाब हुई और सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं बहुसंघ समाज के सभी 90% क्रांतिकारी लोगों से कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि कल और परसों 10 और 11 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आपकी खाने की, रहने की, पीने की सब की व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पर है, और आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुँचकर अपने आने वाली बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के संविधान को और वोट की ताकत को बचाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार न्याय को रोकने के लिए, आप भारी संख्या में बहुसंघ एकता जिंदाबाद के साथ यहाँ पहुँचो, अपने महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलो और देश को भी बचाओ, संविधान को भी बचाओ और अपने अधिकार